ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको ऑनलाइन क्लास में अध्याय 3 पढ़ाया जा रहा है और अध्याय 3 का शीर्षक है मुगल चित्र शैली या मुगलकालीन कला। उस मुगलकालीन कला में आपको समझाया जा रहा है कि सबसे पहले मुगल शासक के रूप में भारत में बाबर आया, जिसने 1526 में पानीपत के युद्ध को जीतकर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के वंश को मुगल वंश इसलिए कहा गया कि बाबर पितृपक्ष से तैमूरवंशी और मातृपक्ष से चंगेज मंगोलवंशी था, इसलिए उसके वंश को मुगल वंश कहा। बाबर एक कला प्रेमी शासक रहा, जिसका परिचय उनकी आत्मकथा या उसकी आत्मकथा तुजा के बाबरी या बाबरनामा से पता चलता है। बाबरनामा में लिखा है कि स्वयं बाबर ने ईरान के दो महान कलाकार वहजाद व शाह मुजफ्फर अली की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इन दोनों कलाकारों की बराबर चित्रों में सादृश्यता को दर्शाने वाला ईरान में अन्य कोई कलाकार नहीं था। इससे स्पष्ट होता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था। इसके अलावा बाबर जब भारत आया तो वहजाद नाम के कलाकार को अपने साथ भारत लेके आया। इस बात से भी स्पष्ट होता है कि बाबर एक कला प्रेमी शासक था। लेकिन 1526 में भारत आया और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। अल्प समय शासन करने के कारण शायद वो भारत में अपने कला प्रेम को नहीं दर्शा सका था। ठीक है भाई, इसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद बाबर के स्थान पर मुगल शासन की गद्दी पर हुमायूं बैठता है, जिसका समय 1530 से 1557 ईस्वी का रहा। हुमायूं एक कला प्रेमी शासक था, लेकिन उसके शासनकाल में राजनीतिक अस्थिरता रही थी और राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण उसने अपने जीवन का अधिकांश समय युद्ध यात्राओं में व्यतीत किया। और जब वो युद्ध यात्राओं में रहता था तो अपने कला प्रेम के कारण वह अपने साथ चित्रित पुस्तकें और चित्रकारों को रखा करता था। एक समय की बात है कि जब वो ईरान से भारत लौट रहे थे तो उस समय कहीं पड़ाव में पड़े थे, तो पड़ाव में उन्होंने एक सुंदर कबूतर को देखा और कबूतर को देखने पर उसका सुंदर सचित्र अपने कलाकारों से बनवाया। इस बात से स्पष्ट होता है कि हुमायूं एक कला प्रेमी शासक था। इसके अलावा 1547 में उसने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त कर ली और काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त करने के बाद हुमायूं ने अपने दरबार में मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी जैसे दो महान कलाकार ईरान से भारत बुलाए। इस बात से भी स्पष्ट होता है कि हुमायूं एक कला प्रेमी शासक था। इसके अलावा हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर के चरित्र निर्माण के लिए अपने चाचा आमिर हमजा की आत्मकथा दास्तान ए आमिर हमजा को चित्रित करवाया, जिनके चित्र बनाने वाले कलाकारों में मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी प्रमुख कलाकार रहे, जिन्होंने आमिर हमजा या दास्तान ए आमिर हमजा की जो कहानी है वो कथा है उसके साहसिक चित्रों को चित्रित किया। जो साहसिक चित्रों को उन्होंने सूती कपड़े पर चित्रित किया, 68x52 सेंटीमीटर के आकार में चित्रित किया और फारसी शैली में उन्हें चित्रित किया गया था। लेकिन 1557 में जाकर पुराने किले की सीढ़ियों से या पुराने किले की पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कने पर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इस बात से स्पष्ट होता है कि हुमायूं एक कला प्रेमी शासक तो था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण वो भारत में अपने कला प्रेम को नहीं दर्शा सका। ठीक है भाई, इसके बाद 1557 में इसका शासनकाल समाप्त हो जाता है और इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र इनकी गद्दी पर बैठता है, मुगल शासन की गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम अकबर था। अकबर ने 1557 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर अपने पूर्वजों की भांति कला प्रेमी शासक हुआ, जिसकी आत्मकथा आयने अकबरी में उसके कला प्रेम के विषय में बताया गया है। आयने अकबरी के रचनाकार अबुल फजल रहे। अबुल फजल ने इनके कला प्रेम के विषय में या इनके समय की कला के विषय में बताया है कि अकबर के समय कला का विकास हुआ और सभी कलाओं को महत्व दिया गया। अकबर ने चित्रशालाओं की स्थापना की, चित्रशालाओं में चित्रकारों की नियुक्ति की और चित्रकारों में अकबर के समय 100 से अधिक कलाकार थे, जिन कलाकारों में 6 कलाकार गुजराती शामिल थे। इसके अलावा अकबर के समय चित्रशालाओं में की भी स्थापना की गई। उन चित्रशालाओं में फतेहपुर सीकरी में एक चित्रशाला की स्थापना की गई
जो लंबे समय तक चलती रही, जिसके अध्यक्ष के रूप में दो कलाकार बनाए, मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी को बनाया था। इसके अलावा अकबर एक समन्वयवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म चालू किया, जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। इनकी विचारधारा के अनुसार यहाँ पर चित्रांकन कार्य किया गया, जो समन्वयवादी विचारधारा के चित्र बने, जिसके आधार पर एक नवीन कला शैली का जन्म हुआ, जिसको मुगल शैली के नाम से जाना गया। इस मुगल शैली को प्राणवान बनाने वाले या जन्मदाता कलाकारों में अकबर के समय के चार कलाकार रहे, मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्समद सिराजी और दसवंत और बसावन प्रमुख कलाकार रहे थे। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में वैसे एक चश्मी चेहरों का अंकन किया गया, सभी चित्र अधिक बनाए गए, रंग चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया था और लघु चित्रों के रूप में चित्रण कार्य किया गया था। इस प्रकार 1605 ईस्वी में जाकर अकबर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद अकबर का पुत्र गद्दी पर बैठता है मुगल शासन की पे, जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर अपने पिता अकबर से भी अधिक कला प्रेमी शासक हुआ और प्रकृति को उपासक हुआ, जिसकी आत्मकथा तुझे के जहांगीरी में उसके कला कौशल के विषय में लिखा गया है कि जहांगीर ने स्वयं अपने शब्दों में कहा था कि यदि मुझे किसी भी कलाकार की कलाकृति को दिखाया जाए तो देखने के बाद मैं उस कलाकृति को पहचान सकता हूँ कि किस कलाकार के द्वारा कलाकृति का निर्माण किया है। इतना ही नहीं, यदि एक ही कलाकृति को कई कलाकार भी मिलकर बनाएं तो भी मैं बता सकता हूँ कि कौन कलाकार के द्वारा कौन सा हिस्सा बनाया गया है। इस बात से स्पष्ट होता है कि जहांगीर एक कला प्रेमी शासक था। जहांगीर ने भी अपने समय चित्रशालाओं की स्थापना की और चित्रकारों की नियुक्ति की थी। इनके समय चित्रशालाओं में जो स्थापना की गई थी उनमें एक चित्रशाला कश्मीर में स्थापित की गई तथा अजमेर में एक शाही महल या चश्मे नूर महल का निर्माण किया गया था और जिनको सुंदर चित्रों के द्वारा सजाया भी गया था। इसके समय भी चित्रकारों को सम्मानित करने के लिए नादिर उल जमा और नादिर उल असर जैसी उपाधियों से सम्मानित किया। जहांगीर के समय मतलब यथार्थपूर्ण चित्रण बनने लगे थे या छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया था चित्रों में और यूरोप मतलब ईरानी प्रभाव मुगल शैली के चित्रों में से समाप्त हो गए थे। इस समय जो चित्र बनाए गए थे उनमें चेहरे की बारीकी व कपड़ों को सलवटे दर्शाने के लिए मुगल या विधि पर्दा जैसी विधि का भी प्रयोग किया गया था। जहांगीर के समय वैसे इनके कला प्रेम के आधार पर यहाँ सर थॉमस रो नामक एक कलाकार भी भारत आया था, जो अपने साथ चित्र लेके आया था। उन चित्रों को देखकर जहांगीरकालीन जो कला चित्र हैं उन चित्रों पर यूरोपियन कला का प्रभाव भी आ गया था। जहांगीर के समय के प्रसिद्ध कलाकारों में आकारिजा का पुत्र अबुल हसन, जिसको जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया, और पशु पक्षी चित्रण में मंसूर और मिस्किन अद्वितीय कलाकार थे, जिनमें मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा छवि अंकन में जहांगीरकालीन प्रसिद्ध कलाकारों में बिशनदास प्रमुख कलाकार था। जहांगीर के समय कुछ कलाकार मतलब ईरानी कला को सीखने या विदेश में भी जाया करते थे, दूसरे देश में भी जाया करते थे, ठीक है। इस प्रकार जहांगीर काल में मुगल कला शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंची, इसलिए जहांगीरकालीन कला को मुगल शैली का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और जहांगीर की 1627 में मृत्यु हो जाने के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम शाहजहां था। शाहजहां ने 1627 से 1657 तक शासन किया। शाहजहां ने वैसे चित्रकला में रुचि कम ली और स्थापत्य कला में रुचि अधिक ली। हालांकि इन्होंने चित्रकारों का सम्मान किया और चित्रकला को रोका नहीं था, लेकिन फिर भी इनके समय शाहजहां के समय जो चित्रण कार्य हुआ वह चित्रण कार्य दरबार तक सीमित हो गया। उसमें दरबारी शान शौकत अदब कायदे राजा महाराजा रानी युवरानी वे मंत्री महामंत्री और रईसों के ही चित्रों को चित्रित किया गया। इसलिए शाहजहांकालीन जो मुगल चित्र शैली है वो दरबारी शान शौकत के में जकड़ कर रह गई थी। इस समय के जो प्रसिद्ध कलाकार थे उन कलाकारों में विचित्र चित्रमन होनहार आदि प्रमुख कलाकार थे। इनके अलावा हाजी मदानी और जैसे प्रमुख कलाकार हुए, ठीक है भाई। इसके बाद अर्थात जो मुगल कला शैली का जन्म मतलब बीजारोपण कह सकते हैं बाबर के समय में हुआ, जिस पर भवन निर्माण का कार्य अकबर ने किया और जिसको सजाने का कार्य या चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का कार्य जहांगीर ने किया। उस शैली की कलम करना मतलब शाहजहां काल में शुरू हो गई थी
और सांझा काल में शुरू होने के बाद जैसे सांझा की मृत्यु होती है, या सांझा की मृत्यु भी नहीं होती, उससे पूर्व इसके चौथे नंबर का एक पुत्र था जिसका नाम था औरंगजेब। उस औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद अपने पिता बाबर को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इस कारण उसने कला को अपने धर्म में निषेध घोषित कर दिया और चित्रकारों को चित्रण कार्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इससे कलाकार दिल्ली कलम को छोड़कर अन्य रियासतों की तरफ आकर्षित हुए और मुगल शैली का पतन हो गया। ठीक है भाई, तो औरंगजेब के काल को क्या कहते हैं? मुगल शैली का पतन काल कहते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रों के विषय में। तो मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रों में आपको बता दूं कि मैं 6 की जगह मतलब 8 चित्रों का बकान है, आपको 8 चित्रों के बारे में बताया जा रहा है कि मुगल शैली के प्रसिद्ध 8 चित्रों में से बताया जा रहा है डिटेल करके। उनमें से आपको याद रखना है कि भाई जैसे अकबर कालीन कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र हैं, जहांगीर कालीन कौन कौन से प्रसिद्ध चित्र हैं और सांझा कालीन कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। उसके बाद आपको मुगल शैली में विशेषताएं कराई जाएंगी और विशेषता के बाद आपको छोटे क्वेश्चन कराए जाएंगे मुगल शैली के मुख्य बिंदु कौन कौन से बनते हैं। तो जैसे मुगल कालीन महत्वपूर्ण चित्र, मुगल कला में बड़ी संख्या में चित्रों का निर्माण हुआ, उनमें से कुछ प्रसिद्ध चित्र जैसे ये हैं। अकबर कालीन प्रसिद्ध चित्रों में सोन नदी पार करते बाबर, मतलब अकबर काल का प्रसिद्ध चित्र है ये, कौन सा? सोन नदी पार करते बाबर, ये मतलब नए ये अकबर कालीन प्रसिद्ध चित्रों में गिना जाने वाला चित्र है जिसका अंकन जगन्नाथ नाम के अकबर कालीन कलाकार के द्वारा किया गया था। तो चित्र देखिए किस प्रकार का है, यह चित्र अकबर के शासनकाल में चित्रकार जगन्नाथ द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया था? प्रसिद्ध चित्र है ये, किसके द्वारा? जगन्नाथ के द्वारा। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चनों में भी पूछा जा सकता है क्या कि बाबर को सोन नदी पार करते हुए चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया और कब बनाया गया? तो अकबर के काल में बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया? जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया। इस चित्र में उफनती नदी के मध्य कुछ नावों में अनेक पुरुषों को चप्पू चलाते हुए, अर्थात वो पतवार को चलाते हुए, अनेक नाव, बहुत सारी नाव हैं और किसमें है? सोन नदी में है और सोन नदी अपने पूरे जोर पर उफान पर है, ऐसे दृश्य को यहाँ पर चित्रित किया गया है। कुछ पुरुषों को आपसी संवाद करते हुए करते एवं एक पुरुष द्वारा बंदूक से मगरमच्छ पर निशाना साधते हुए चित्रित किया गया है। अर्थात इसमें क्या किया है कि पूरे दृश्य के अंदर जगन्नाथ ने जो चित्र बनाया है उसमें सोन नदी में कुछ नावों को बनाया गया है, उन नावों में अनेक पुरुषों को चप्पू चलाते हुए और कुछ पुरुषों को आपसी संवाद करते एक पुरुष द्वारा बंदूक से मगरमच्छ पर निशाना करते हुए, अर्थात नदी की तरफ देखते हुए जिसमें किसी मगरमच्छ पर निशाना साधते हुए मनुष्य को चित्रित किया गया है। एक बड़ी नाव में ऊंचे सिंहासन पर बाबर को बैठे हुए दिखाया गया है। इसी चित्र में एक बड़ी नाव है, उस बड़ी नाव पर ऊंचे सिंहासन पर बाबर को बैठे हुए चित्रित किया गया है। आसपास विभिन्न मुद्राओं एवं सेवा में रत पुरुषों का चित्रण किया गया है, मतलब कुछ अन्य मुद्राओं में कोई किस तरह का कार्य कर रहा है, कोई किस तरह देख रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, इस तरह की मुद्राओं में अन्य पुरुषों को बनाया गया है और कुछ पुरुषों को सेवा में रत बनाया गया है, अर्थात सेवा भाव की दृष्टि से सेवा का कार्य करते हुए चित्रित किया गया है। एक अन्य नाव में घोड़े को भी चित्रित किया गया है, मतलब दूसरे क्या है, दूसरी नाव में एक घोड़े को भी चित्रित किया गया है जो शायद बाबर का घोड़ा है। अधिकांश पुरुष आकृतियां पौने दो चश्मी चेहरे में बनाई गई हैं। मैंने आपको ये कई बार बता दिया, दो चश्मी, पौने दो चश्मी और डेढ़ चश्मी, सवा चश्मी चेहरे और एक चश्मी चेहरे। एक चश्मी चेहरे तो वो होते हैं जिनमें चेहरे के एक हिस्से को बनाया जाता है, अर्थात एक नाक को और एक तरफ की नाक, एक आंख को एक तरफ की नाक को बनाया जाता है, उस हिस्से को कहते हैं अपन एक चश्मी। और अगर एक आंख को अधर में लटके हुए बनाया जाता है उसे सवा चश्मी। जो सवा चश्मी चेहरों का अंकन जैन या पाल शैली में किया गया था और उसके बाद उससे आगे कुछ बढ़कर बनाया जाता है उसे डेढ़ चश्मी और उससे आगे कुछ बढ़कर बनाया जाएगा उसे पौने दो चश्मी और दोनों आंखों को यदि इस तरह से बनाया जाए तो उसे द्यू चश्मी चेहरा कहा जाता है। तो यहाँ पौने दो चश्मी चेहरों का अंकन किया गया। लंबे चौगे, अर्थात ये पुरुष आकृतियों का एक वस्त्र होता है, क्या? चौगा, जो घुटनों से ऊपर शरीर में पहना जाता है और कमर तक उसमें झल्लर होती हैं, घेर होता है और कमर से ऊपर वो चुस्त होता है, उसे कहते हैं जामा या चौगे कहते हैं। ठीक है, गोल पगड़ियां, सिर पर गोल पगड़ियां, कमरबंद बांधे हुए चित्रित किए गए हैं।
किसके समय ये ऐसे चित्र किसने बनाए हैं? ये जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया है। किसके समय ऐसा चित्र बना? अकबर के दरबार में बना था, अकबर के समय बनाया था। और चित्र का शीर्षक क्या है? बाबर को सोन नदी पार करते हुए। इस चित्र में कैसे बनाए गए हैं? बहुत सारी नावों को किस में बनाया गया? नदी में बनाए गए हैं। उनमें कुछ आदमियों को तो आपस में संवाद करते हुए और एक पुरुष आकृति को कोई मगरमच्छ की तरफ तीर का मगरमच्छ की तरफ निशाना साधते हुए चित्रित किया गया। कुछ पुरुष आकृतियाँ सेवा भाव में अभिव्यक्त की गई हैं, चित्रित की गई हैं इस तरह के। और एक अन्य नाव में एक घोड़े को भी दिखाया गया है। अधिकांश पुरुष आकृतियां कौन से चश्मे में बनाई गई हैं? पौने दो चश्मे चेहरों में बनाई गई हैं। लंबे चौगे पहने हुए चित्रित की गई हैं। गोल पगड़ियां, कमरबंद बांधे चित्रित किया गया है। स्वयं बाबर को भी ऐसी वेशभूषा में चित्रित किया गया है। नदी के दूसरे किनारे पर जमीनी हिस्से को उठी हुई चट्टानों, पेड़ पौधों और कुछ भवनों युक्त चित्रित किया गया है। मतलब अन्य जो भाग है, दूसरा भाग है, उस दूसरे किनारे पर क्या किया गया है? जमीनी हिस्से को कुछ उठा हुआ बनाया गया है, चट्टानों को बनाया गया है, पेड़ पौधों और कुछ भवनों युक्त चित्रित किया गया है। इन ईरानी प्रभाव, मतलब इनमें इन पर ईरानी प्रभाव झलकता है। चित्र संयोजन में गति और प्रवाह है। प्रवाह का मतलब क्या है? लय होता है। प्रवाह का मतलब क्या होता है? लय। तो उसके अंदर लय, लय को इंग्लिश में अपन कहते हैं रिद्म। तो रिद्म है, क्योंकि जब तक कोई भी चित्र के अंदर रिद्म या लय नहीं होगा तब तक वो चित्र उपयुक्त चित्र नहीं होता है, या यूँ कह सकते हैं भावपूर्ण चित्र नहीं हो सकता। तो दूसरा चित्र है सलीम का जन्म। ये सलीम का जन्म शीर्षक वाला चित्र भी अकबरकालीन प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है भाई। और ये चित्र केसु के द्वारा बनाया गया चित्र है, ठीक है। तो अकबरकालीन दूसरा प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? सलीम का जन्म। और पहला चित्र कौन सा हो गया? बाबर को सोन नदी पार करते हुए। अकबरकालीन चित्रों में सलीम का जन्म, यहाँ सली को करना है, सलीम कर देना इसको। सलीम का जन्म चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। यह चित्र अपने तल विभाजन, देखिए इसकी विशेषता क्या है कि किसके कारण यह प्रसिद्ध है? अपने तल विभाजन, तल का मतलब होता है धरातल, धरातल का मतलब पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि के विभाजन तथा व्यंगम दृश्यमानता, मतलब विचित्र दृश्यमानता है, उस दृश्यमानता के लिए माना जाता है। इस चित्र में संपूर्ण कथानक को विभिन्न खंडों में बांटकर अंकित किया गया है। मतलब पूरे के पूरे कथा को विभिन्न खंडों में अलग अलग भागों में विभक्त करके चित्र को चित्रित किया गया है। जैसे महल के बाहर खैरात बांटने का दृश्य, अर्थात किसका जन्म हुआ है? सलीम का जन्म। और सलीम कौन है? अकबर का बेटा है, जिसका नाम क्या है? जहांगीर। तो वो जहांगीर का मतलब क्या जन्म हुआ है? तो जन्म के हर्ष और उल्लास प्रसन्नता को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से चित्र को बनाया गया है। जिस चित्र में खैरात बांटी जा रही है कि पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में किसको बांटी जा रही है, क्या बांटी जा रही है? खैरात। महल के भीतर नृत्यरत स्त्रियां अंकित गई हैं और महल के जो भीतरी भाग है उसमें स्त्रियां क्या कर रही हैं? नृत्य कर रही हैं। इस तरह के दृश्य को यहाँ चित्रित किया गया है। एक खंड में सलीम को स्नान कराने का दृश्य है, अर्थात जिसको प्रसूति स्नान गृह कहते हैं, प्रसूति गृह कहते हैं, उस भाग को भी यहाँ पर चित्रित किया गया है, जिसमें सलीम को स्नान कराने का दृश्य है। वहीं अगले खंड में प्रसूति गृह दिखाया गया है। ऊपरी भाग में छत पर मोर को अंकित किया गया है। ये मोर को किस लिए अंकित किया गया है? ये खुशी को भाव को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से मोर को अंकित किया गया है। ऊंचे क्षितिज व पार्श्व में प्रकृति का मनोरम अंकन हुआ है। ऊंचा क्षितिज है प्रकृति का मनोरम, प्रकृति का मतलब मन को भाने वाला या सुंदर चित्रांकन किया गया है। संपूर्ण चित्र में आकर्षक रंग संगति है। रंग संगति कैसी है? देखने योग्य, आकर्षक है, मतलब ध्यान को आकर्षित करने की जैसी है। यह चित्र चित्रकार केसु द्वारा बनाया गया चित्र है। तो अकबरकालीन आप कौन कितने चित्रों के विषय में पढ़ चुके? दो चित्रों के विषय में, एक बाबर को सोन नदी पार करते हुए जगन्नाथ के द्वारा बनाया गया, और दूसरा चित्र है सलीम का जन्म जो केसु के द्वारा बनाया गया चित्र है, ठीक है। और तीसरा चित्र आता है वैसे गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्र आता है। ये गोवर्धनधारी कृष्ण का जो चित्र है अकबर काल का एक मिस्किन नाम का महान कलाकार था, उस महान कलाकार के द्वारा बनाया गया है। अब आप ये जैसे टाइटल आते हैं ये गोवर्धनधारी कृष्ण, तो ये टाइटलों के आधार पर भी वैसे स्टूडेंट अनुमान लगा लेता है कि इस चित्र के अंदर किस तरह का चित्रांकन कार्य किया गया होगा। जैसे निश्चित है कि भगवान श्री कृष्ण को कौन किसको उठा रहा है? गोवर्धन पर्वत को, तो एक हाथ पर गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए चित्रित गया है, निश्चित है। तो गोवर्धन पर्वत किसके लिए उठाया गया था? मतलब इंद्र के प्रकोप, इंद्र के कोप से बचने के लिए। तो इंद्र ने इतनी बरसात की, जब जाके जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को और मनुष्य स्त्री पुरुषों को बचाने की दृष्टि से गोवर्धन के नीचे क्या है? उन आकृतियों को बनाया गया है। तो इसी प्रकार इस चित्र में अंकन किया गया है। अकबरकालीन प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन द्वारा गोवर्धनधारी कृष्ण का सुंदर चित्रण किया गया है। इस चित्र में नील वर्ण में कृष्ण को बाएं हाथ पर गोवर्धन पहाड़ उठाए हुए चित्रित किया गया है। कृष्ण के आसपास महिला, पुरुष, बालक, गायों, भैंसों व बकरियों को भी चित्रित किया गया है। इस प्रकार का चित्र है।
तो कितने चित्र हो गए अपने अकबरकालीन? तीन चित्र हो गए कि एक तो बाबर को सोन नदी पार करते हुए, एक सलीम का जन्म और एक गोवर्धनधारी कृष्ण। तो बाबर को सोन नदी पार करते हुए जगन्नाथ का और क्या नाम से गोवर्धनधारी कृष्ण मिस्किन का और एक सलीम का जन्म है जो केसु के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है भाई, इसके बाद आते हैं जहांगीरकालीन प्रसिद्ध चित्र। तो जहांगीरकालीन प्रसिद्ध चित्रों में अपन पढ़ते हैं मरियम का चित्र लिए हुए जहांगीर, अर्थात ये जहांगीर के समय के प्रसिद्ध चित्र हैं। तो जहांगीर किसका उपासक हुआ था? प्रकृति का उपासक हुआ था और वो अपने पिता अकबर से भी अधिक कला प्रेमी शासक था। तो उसके समय मतलब यथार्थता के नज़दीक आ गए थे चित्र, क्योंकि चित्रों में यथार्थता लाने के लिए चित्रकार किस विधि का प्रयोग करने लगे थे? परदाज विधि का। और परदाज विधि क्या होती है? मुगलिया विधि थी, जिसको परदाज को आपको कितने भागों में विभक्त करके बता रखा है मैंने? तीन भागों में, खत परदाज, बिंदु परदाज और धुआं परदाज। अर्थात चित्रों में बारीकी को दर्शाने के लिए खत परदाज और बिंदु परदाज, जिसको दाना परदाज भी कहते हैं, का प्रयोग किया गया था। तो जो जहांगीरकालीन जो चित्र बनाए गए थे वो चित्र यथार्थता के नज़दीक वाले चित्र बनाए गए थे। तो जहांगीरकालीन प्रसिद्ध चित्रों में पहला चित्र है मरियम का चित्र लिए हुए जहांगीर, अर्थात ये मरियम स्त्रियों के नाम हुआ करते थे। किसके नाम हुआ करते थे? स्त्रियों के। तो जहांगीर को मरियम का चित्र लिए हुए चित्रित किया गया है और ये चित्र अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है। अबुल हसन कौन था? जो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जहांगीर काल का एक प्रसिद्ध कलाकार या जहांगीरकालीन सर्वश्रेष्ठ कलाकार था कौन? अबुल हसन, जिसको जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि से भी सम्मानित किया है। तो नादिर उल जमा की उपाधि से जो सम्मानित किया है वो दो चित्रों पर ही किया है इसको, एक तो मरियम का चित्र लिए हुए जहांगीर और एक जहांगीर का सपना शीर्षक वाला दूसरा चित्र आएगा इसका, जिस जहांगीर के सपने शीर्षक वाले पर जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है भाई, तो अपन इस चित्र के विषय में पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही क्या कि चित्र का टाइटल पढ़ने पर, सब्जेक्ट पढ़ने पर स्टूडेंट को ये हो जाना चाहिए कि इस चित्र के अंदर क्या बना होगा। तो अपने इस तरह का दृश्य आ जाना चाहिए, भाई एक कोई मरियम का चित्र है और उस चित्र को किसने ले रखा है? जहांगीर को। तो इस तरह का इसमें चित्रण किया गया है, किसके द्वारा? अबुल हसन के द्वारा किया गया है। तो देखिए इसकी डिटेल में अपन पढ़ते हैं। अबुल हसन द्वारा 1620 ईस्वी में यह चित्र बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? अबुल हसन के। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया यहाँ पर, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बन गया कि अबुल हसन के द्वारा बनाया गया कोई एक प्रसिद्ध चित्र का शीर्षक लिखिए, बन सकता है, क्योंकि अपने यहाँ शॉर्ट क्वेश्चनों में आधे अंक का भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब आधे अंक में इसी तरह के मुख्य बिंदुओं को उठाएगा एग्जामिनर, अब ऐसे मुख्य बिंदुओं में आ सकता है अबुल हसन के द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध चित्रों में से किसी एक चित्र का नाम लिखिए। तो अपन मरियम का चित्र लिए हुए जहांगीर या जहांगीर को का सपना शीर्षक वाला चित्र लिखेंगे। तो जिस चित्र का निर्माण कब किया? 1620 में। अब यहीं पर आकर एक प्रश्न और बन जाता है, अबुल हसन कौन था? जहांगीरकालीन सर्वश्रेष्ठ कलाकार था, चित्रकार था, जिसने कौन सा चित्र बनाया? मरियम का चित्र लिए हुए जहांगीर का चित्र बनाया। ठीक है, 1620 ईस्वी में यह चित्र बनाया गया। चित्र के मध्य में जहांगीर को बैठे हुए मरियम का चित्र लिए हुए चित्रित किया गया है। मरियम, मैंने आपको बताया मरियम इनके कौन होते हैं? स्त्रियों के नाम होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रियों के नाम। तो वो मरियम कोई स्त्री है, उसके चित्र को लिए हुए चित्रित किया गया है। इस चित्र को चारों ओर से अलंकृत लिपि द्वारा सजाया गया है, मतलब ये मुगल कला की एक प्रमुख विशेषता भी रही है। अपनी भारतीय कला की विशेषता इस तरह की नहीं है जिस तरह की मुगल कला में है। मुगल कला में अलंकरण को महत्व दिया जाता है, किसको? सजावट को। कभी आप देखते होंगे बारीकी से, कभी आपने चित्रों को देखा होगा या आपने उनके महलों को देखा होगा, वास्तुकला को देखा होगा, तो उनके जो भवन होते हैं, मकान होते हैं, उन मकानों में सजावटी कार्य होता है। और अपने जो भवन होते हैं धार्मिकता से जुड़े हुए, उनमें क्या होता है? मूर्तियों की स्थापना होती है, है ना। तो इनके में तो कढ़ाई जैसा बारीकी कारीगरी की गई थी। तो इनमें जो हाशिए बनाए गए थे, हाशिए का तात्पर्य मैं आपको बताऊं कि जैसे ये है अपना, ये व्हाइट वैसा आपको दिखाई दे रहा है ना ये बोर्ड का, इस व्हाइट के अलावा जो शेष भाग बच रहा है उसे क्या कहते हैं अपन? हाशिए कहेंगे। अर्थात चित्र के बाहर छोड़े गए स्थान को क्या कहेंगे? हाशिए कहेंगे, जिसको बाउंड्री कह सकते हैं, एक तरह का बॉर्डर कह सकते हैं। उन बॉर्डरों को मुगलकालीन चित्रों में क्या किया जाता था? सजाया जाता था। किसके द्वारा? बारीक रेखांकनों के द्वारा, फूल पत्तियों की डिजाइनों के द्वारा सजाया जाता था, या फिर लिपि लिखी जाती थी। लिपि का तात्पर्य क्या होता है? भाषा। तो वो भाषाओं को लिखा करते थे। अब वो लिपि उनकी भाषा हुआ करती थी, उनमें हो सकता है उस चित्र के बारे में बखान किया जाता हो, हैं? अब इस तरह के चित्रों को बनाया गया। यद्यपि चित्र में पश्चिमी प्रभाव झलकता है, पश्चिमी तात्पर्य है पश्चिमी कला का प्रभाव आ गया। पश्चिमी कला का प्रभाव से तात्पर्य मैं आपको बता दूं कि जब यथार्थतापूर्ण चित्र बनते हैं, अर्थात शारीरिक सौंदर्य पूर्ण चित्र बनते हैं, तो वो कौन सा प्रभाव जाता है? पश्चिमी प्रभाव। और जब आंतरिक भावाभिव्यक्ति
वाले चित्र बनते हैं। जब कौन सा प्रभाव जाता है? भारतीय प्रभाव, क्योंकि हमारे भारतीय कला की विशेषताएं आंतरिक भावाभिव्यक्ति पर चित्रण करना। आंतरिक भावा अभिव्यक्ति का तात्पर्य है गुणों को महत्व देना। हमारे यहाँ शरीर को, शारीरिक सौंदर्य को महत्व नहीं दिया जाता। मैं आपको बता दूं कि हमारे सौंदर्य शास्त्र में ये भी कहा गया है कि भारतीय कला में गोबर को भी सुंदर बताया गया है, क्योंकि उसको बाहरी तौर पर सुंदरता नहीं देखकर उसके गुणों को देखा गया है। इसीलिए तो अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति में कहते हैं कि रंग को क्या देखना, देखना है तो उसके लक्षणों को देखो, गुणों को देखो। तो इस तरह के आंतरिक भावाभिव्यक्तिपूर्ण चित्रांकन इनके करने पर जो प्रभाव दिखाई दिया है वो पश्चिमी प्रभाव दिखाई दिया है। फिर भी जहांगीरकालीन शैली की समस्त विशेषताएं, जैसे सिर का बड़ा आकार, ये जहांगीरकालीन कला की विशेषता है। अर्थात इस चित्र में जहांगीर कालीन जो विशेषताएं वो विशेषता दिखाई दे रही हैं, जिनमें क्या, सिर का बड़ा आकार, ऊंची नाक, कोमल वर्ण विधान। वर्ण का तात्पर्य क्या होता है? रंग। और विधान का मतलब संयोजन, व्यवस्था, रंग व्यवस्था की गई है आदि इस चित्र में दृष्टिगोचर होते हैं। जहांगीर की मुखाकृति एक चश्मी प्रोफाइल बनाई गई है, अर्थात एक चश्मी बनाई गई है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये एक चश्मी चेहरे क्या होते हैं, द्वि चश्मी चेहरे क्या होते हैं, सवा चश्मी चेहरे क्या होते हैं। आपने प्रथम अध्याय का अध्ययन किया होगा, प्रथम अध्याय में आपने जैन और पाल शैली के विषय में पढ़ा होगा। जैन और पाल शैली में लघु चित्र बनाए गए थे जिनको अपन पांडुलिपि चित्र कहते हैं। उन पांडुलिपि चित्रों में जो भगवान, वो जैन धर्म से संबंधित जो चित्र बनाए गए थे, उन चित्रों में सवा चश्मी चेहरे अंकन किए गए थे। सवा चश्मी चेहरे का अंकन का मैंने अर्थ बताया आपको कि एक हिस्से को बनाना, चेहरे के एक हिस्से को, आदि नाक एक आंख बनाना, उस भाग को कहते हैं एक चश्मी चेहरा। और एक आंख को यदि अधर में लटके हुए बना दें उसे कहते हैं सवा चश्मी चेहरा, और उस आंख से आगे का भाग बनाए उसे कहते हैं डेढ़ चश्मी चेहरा, और उससे भी ज्यादा और आगे बढ़ा दें उसे पौने दो चश्मी चेहरा, और यदि फ्रंट में यूं बना दिया जाए उसे कहते हैं अपन द्वि चश्मी चेहरा। तो ये मुगल काल में एक चश्मी चेहरे या डेढ़ चश्मी चेहरों का अंकन किया गया था। तो यहाँ एक चश्मी बनाया गया है, किसकी आकृति को, जहांगीर की आकृति को। तो अपना एक चित्र कौन सा पूरा हुआ, जहांगीर कालीन, मरियम का चित्र ले हुए जहांगीर का, और दूसरा चित्र है जहांगीर का सपना शीर्षक वाला। ये जहांगीर का सपना शीर्षक वाले चित्र भी अबुल हसन के द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या है, अबुल हसन ने जहांगीर को प्रसन्न करने की दृष्टि से, अपनी चतुराई से ऐसा चित्र बनाया है कि उसे जहांगीर को विश्व विजेता बना दिया उसके अंदर, और एक ग्लोब पे बनाया है, और उस ग्लोब पे उसके ही कोई दुश्मन है, मतलब उसका ही जो कभी मिले ही नहीं ऐसा कोई बादशाह है, उस बादशाह का भी चित्र बनाया। तो स्वयं जहांगीर को तो शेर पर खड़े हुए बना दिया, और दूसरे जो बादशाह है उसको भेड़ पर खड़े हुए दिखाया गया है, और भेड़ पर भी बड़ी स्थिति, दयनीय स्थिति में, जैसे कि उसकी दयनीय स्थिति हो गई हो, इस तरह का बनाकर उसने अपने शासक जहांगीर को प्रसन्न करने की कोशिश की है। वो चित्र का अंकन यहाँ किया गया है, जिसको अपन पढ़ के देखते हैं। यह चित्र जहांगीर के प्रिय चित्रकार अबुल हसन द्वारा चित्रित किया गया। मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि अबुल हसन कौन है, जहांगीर काल का प्रसिद्ध कलाकार, जहांगीर कालीन सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन है, अबुल हसन। अबुल हसन को कौन सी उपाधि सम्मानित किया, नादिर उल जमा की उपाधि सम्मानित किया था। इस चित्र में जहांगीर को ईरानी सहा अब्बास, ईरान का सहाय अब्बास, गले मिलते दर्शाया गया है। जहांगीर को और ईरान के सहा अब्बास दोनों को क्या मिलते हुए दिखाया गया, गले मिलते हुए दर्शाया गया। वास्तव में दोनों शासक कभी मिले ही नहीं हो, ऐसे लग रहा है जैसे कभी मिले ही नहीं। ये चित्र उस दौर का है जब जहांगीर के ईरानी सफी सुल्तान के साथ रिश्ते मधुर नहीं थे, मतलब उनके आपस में मधुर संबंध होते तो नहीं मिलते रहते। और अब जो ये अबुल हसन है वो यही तो चतुराई कर रहा है, क्या कि वो जहांगीर को प्रसन्न कर रहा है, और जहांगीर को प्रसन्न करने के लिए दृष्टि से शाह अब्बास को वहां पर बनाया गया, चित्रित किया गया। चित्रकार अबुल हसन ने चतुराई से चित्र, ये चित्र क्षेत्र की जगह अपन को क्या करना है, चित्र कर लेना है। चित्र में जहांगीर को श्रेष्ठ व विश्व विजेता के भाव से अंकित किया है, मतलब श्रेष्ठ भी बनाया है कि कौन श्रेष्ठ है, जहांगीर, और कौन सा विजेता है, विश्व विजेता का भाव व्यक्त किया है। चित्र में ग्लोब व जहांगीर को शेर व शाहब्बास भेड़ पर खड़े हुए बनाया गया है। वस्त्राभूषणों व प्रभा मंडल में जहांगीर को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया गया है। ग्लोब पर अंकित विश्व मानचित्र तत्कालीन संदर्भ में सबसे सटीक माना जाता है। चित्र में स्वर्ण प्रभा मंडल अंकित किया गया है, मतलब प्रभा मंडल क्या होता है, सिर के पीछे जो सूर्य जैसा चक्र बनाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, प्रभा मंडल कहते हैं। उस प्रभा मंडल को किस लिए बनाया जाता है, उसको राजसी भाव को या देवत्व भाव को दर्शाने के लिए चित्रित किया गया है। जहांगीर की उपाधि नूर अल दीन, ये आस्था की रोशनी नाम की एक उपाधि होती है, उस उपाधि के साथ चित्रित किया है, जो प्रतिबिंबित किया है उसमें, ये उपाधि से प्रतिबिंबित किया है।
चित्र टेम्परा रंगों में बना हुआ है। टेम्परा कौन से रंग होते हैं, मैंने आपको जूनियर बताया था, टेम्परा रंग होते हैं, मोटे अपारदर्शी वर्णों को टेम्परा रंग कहते हैं, जिनको वर्तमान में बाजार से खरीद के लेके आते हैं, जब पोस्टर रंगों के नाम से खरीद के लेके आते हैं, ये अपारदर्शी होते हैं, के द्वारा बनाया गया है, जिसमें स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोने का जैसा रजत रंग की अधिकता है, ये रंग की अधिकता है, ये अपने यहाँ के प्रभाव नहीं होकर पाश्चात्य प्रभाव या युग कह सकते हैं यूरोपियन प्रभाव झलक दिखता है। चित्रकार अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया, जो मैंने आपको पहले बताया था, नादिर उल जमा की उपाधि से किसको सम्मानित किया, जहांगीर ने अबुल हसन को, और अबुल हसन कौन है, जहांगीर काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है, और ये चित्र का भी सलीम का जन्म नहीं, सलीम जहांगीर का सपना शीर्षक वाले चित्र का निर्माण किसने किया, अबुल हसन ने किया। मरियम का चित्र लिए हुए जहांगीर का चित्र किसने बनाया, अबुल हसन ने बनाया। तो ये दोनों चित्रों पर इसको क्या मिला, नादिर उल जमा की उपाधि। और तीसरा चित्र आता है बाजपक्षी या पक्षी अड्डा वाला शीर्षक वाला चित्र आता है, इसमें क्या है, ये भी जहांगीर कालीन प्रसिद्ध कलाकार था, ये कौन, मंसूर। दूसरा चित्र है अपना कौन सा, बाज पक्षी वाला चित्र। बाज पक्षी का आपने नाम सुन रखा होगा, बाज पक्षी बहुत ही खतरनाक पक्षी होता है, ये इतना खतरनाक होता है, जब ये शिकार करता है ना तो ऊपर आसमान की तरफ उड़ता रहता है, और शिकार को देखकर पृथ्वी पर और ऊपर एक स्थान पर रुक जाता है, और एक स्थान पर रुक कर एकदम झपटा मार के और शिकार को उठा ले जाता है। तो इसकी आंखें है ना इतनी डरावनी होती हैं, भयंकर क्रूर, बहुत डरावनी होती है, जो ये पक्षी के भाव को दर्शाते हैं कि ये पक्षी कितना खतरनाक होगा इस तरह। लेकिन यहाँ पर जितनी यथार्थता से चित्र को बनाया है उतनी यथार्थता से शायद किसी ने अन्य ने नहीं बना पाया, इसलिए ये विश्व प्रसिद्ध चित्रों में गिना जाता है बाज पक्षी का। और ये जहांगीर काल के जो प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार हैं मंसूर, उसके द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है ये। मंसूर को भी जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि से सम्मानित किया, वो उल जमा है और ये उल असर है। आपको ये भ्रमित करने की दृष्टि से एग्जाम में प्रश्न आएगा कि जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि से किसे सम्मानित किया, मंसूर को, और उल जमा की उपाधि से किसे सम्मानित किया, अबुल हसन को किया। ठीक है भाई, तो ये जहांगीर काल का प्रसिद्ध चित्र है, जिसका अंकन जहांगीर कालीन सर्वश्रेष्ठ कलाकार अबुल हसन, यहाँ रॉन्ग हो गया है, ये मंसूर है, यहाँ रॉन्ग है, इसको मंसूर करेंगे अपन, ठीक है, मंसूर ने किया था, जो पक्षी चित्रण में जहांगीर कालीन कलाकारों में अद्वितीय कलाकार था। इसे आपको क्या करना है, मंसूर कर लेना है। ये हो सकता है बोलने में कभी अपन ने जैसे बनाया ना इसका नोट्स बनाए, वो नोट्स में कहीं गलत हो गया है। जो पक्षी चित्रण में जहांगीर कालीन कलाकारों में अद्वितीय कलाकार था, उसके द्वारा बनाया गया बाज का चित्र विश्वविख्यात है। इस बाज की आकृति वास्तविक प्रतीत होती है, वास्तविक का मतलब होता है यथार्थ, ऐसी सेम कॉपी जिसको कहते हैं ना अपन, एज इट इज कहते हैं, वो एज इट इज दिखाई देती है। ये बाज की आंखों में तीक्ष्णता, मतलब इसकी आंखें बहुत तेज होती हैं, वो तीक्ष्णता का भाव और क्रूरता का भाव स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, किसकी आंखों में, बाज की में, किसमें, चित्र में, तथा बाज के पंख और परों को, पंखों और परों को, ये दोनों अलग अलग होते हैं भैया, पर तो कहते हैं क्या पैरों को, और यह पंख हैं, पंख और परों को क्या है, पैरों को, ये पैर कर लेना वैसे, पैरों को सफेद भूरे रंग से बड़ी बारीकी से चित्रित किया गया है, जिसे देखकर दर्शक मुग्ध हो जाता है, मतलब दर्शक देखकर आश्चर्य करने लग जाते हैं कि ये पंख और पैर किस तरह, कितनी यथार्थता के साथ, कौन सी ब्रश के द्वारा, कौन से रंगों के द्वारा बनाया गया है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया चित्र है, मंसूर के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र है। मंसूर कौन था, जहांगीर काल का पक्षी चित्रण में अद्वितीय कलाकार था। अब पक्षी अड्डा इसलिए कहा जाता है कि जो बाज पक्षी है उस बाज पक्षी को एक स्टैंड पर बैठे हुए बनाया गया है, और जब स्टैंड पर बैठता है तो उसे क्या कहेंगे, भाई पक्षियों का अड्डा है, उस पर बैठे हुए चित्रित किया गया। इसके बाद जो आते हैं उन चित्रों में अपन पढ़ते हैं सांझा कालीन। तो अब तक अपन ने पढ़ लिया अकबर कालीन चित्र और जहांगीर कालीन चित्र, मैंने ये एक जगह कर दिए कि मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र। तो अकबर कालीन चित्रों में आपको तीन चित्र बता दिए, एक गोवर्धनधारी कृष्ण का चित्र है, एक बाबर को सोन नदी पार करते हुए, और एक सलीम का जन्म शीर्षक वाला चित्र है। इसके बाद जहांगीर काल में दो चित्र बता दिए, तीन चित्र और भी, एक तो मरियम का चित्र लिए हुए है, और एक जहांगीर का सपना शीर्षक वाला चित्र, और एक बाज पक्षी का चित्र। और सांझा कालीन भी दो प्रसिद्ध चित्र है, एक तो कबीर और रैदास का चित्र है, और एक है दारा सिकोह की बारात वाला। दारा सिकोह की बारात वाला जो शीर्षक वाला चित्र है वो हाजी मदानी के द्वारा बनाया गया, और फकीर उल्लाह के खान के द्वारा कबीर और रैदास वाले शीर्षक वाले चित्र बनाए गए, जो सांझा कालीन प्रसिद्ध चित्रों में गिने जाते हैं। जैसे देखिए कबीर और रैदास सांझा कालीन चित्रों की संपूर्ण विशेषताओं को दर्शाता है। यह चित्र फकीर उल्लाह खान के द्वारा 1640 ईस्वी में अंकित किया गया। फकीर उल्लाह खान सांझा कालीन कलाकारों में प्रधान कलाकार था, अर्थात इसकी चित्रशाला का प्रधान था ये। कौन, फकीर उल्लाह खान, जिसने कौन सा चित्र बनाया, कबीर और रैदास वाला।
ये चित्र 1640 ईस्वी में अंकित किया गया, और ये चित्र जो बनाए गए ना, ये लघु चित्र के रूप में कागजों पर बनाए गए चित्र हैं। दूसरा रंग संगति, अर्थात धुंधली रंग संगति है इसकी। आप चित्र को बुक्स में देखेंगे ना, तो बुक्स में क्या दिखाई देगा? धुंधली रंग संगति है इसकी। धुंधली रंग संगति वाले इस चित्र में ग्रामीण परिवेश दर्शनीय है। झोंपड़ी के बाहर कबीर कपड़ा बन रहे हैं, क्योंकि कबीर तो कर्म को प्रधानता देता था और रैदास भक्ति को प्रधानता देता था, तो इसने कर्म को प्रधानता देने की दृष्टि से ये कपड़ा बुनते हुए हैं। हालांकि इसका भी देह कपड़ा बुनने का तात्पर्य है, भक्ति भाव से संबंधित है, अर्थात ये भक्ति में लीन है। जब भी कपड़ा बन रहा है, बहुत भाई भक्ति के भी कई माध्यम होते हैं, कोई किस तरह से करता है, कोई किस तरह से करता है। जैसे कर्म प्रधान, कर्म को महत्व देता है, वो भी भक्ति है भाई। कर्म करता है वो भी भक्ति है, और एक भगवान का नाम लेता है वो भी भक्ति है। और रैदास, वहीं उसके पास रैदास एक चटाई पर बैठे हैं, दोनों ही दीन दुनिया को भूलकर, दीन दुखी दुनिया को भूल गए और ईश्वर के ध्यान में मस्त हैं। दोनों भक्तों को कृशकाय, कृशकाय मतलब है पतली दुबली आकृति, पतले दुबले शरीर में कृशकाय बनाया गया है। मटमैले भूरे रंग की प्रधानता से विषयगत, विषय का तात्पर्य है जिस विषय को अपन चित्रित कर रहे हैं, उस विषय को प्रासंगिकता को बल मिलता है, अर्थात जो प्रसंग अपन ने चित्रित किया है उसकी विषय को ये बल देते हुए चित्रित किया गया है। बॉर्डर नीले रंग से, बॉर्डर बताया हाशे, बॉर्डर नीले रंग से दर्शाया गया है। साझा कालीन चित्रों का यह श्रेष्ठ उदाहरण है। दूसरा चित्र आता है दारा सिकोय की बारात। अब ये दारा सिकोय कौन है? ये दारा सिकोय साझा का ज्येष्ठ पुत्र था और औरंगजेब का बड़ा भाई था। औरंगजेब तो चौथे नंबर का था और दारा सिकोय जो बड़ा ही बड़ा था, किसका? बाकी गद्दी पर हक तो इसका ही था, लेकिन औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था जिसने अपने भाइयों की हत्या करा दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया बाबर को बंदी बनाकर, वो सांझा को बंदी बनाकर, ठीक है। तो ये दारा सिकोय की बारात शीर्षक वाला चित्र बनाया गया, किसके समय बनाया गया? सांझा के समय बनाया गया था। यह चित्र मुगल कालीन चित्रों में अपने संयोजन के लिए जाना जाता है। इस चित्र में वस्त्राभूषण, घोड़ों, शाही लवाजमों, शाही लवाजमों मतलब राजसी ठाट बाटों को दर्शाया गया है, का चित्ताकर्षक अंकन है, मतलब चित्र का आकर्षक अंकन किया गया है। दूल्हे के परिधान में घोड़े पर सवार दारा, भाई निश्चित है बारात की दृश्य, तो बारात का दृश्य किसकी? बारात का दृश्य है दारा सिकोय की, तो घोड़े पर कौन बैठेगा? फिर दारा ही बैठेगा। और दारा सिकोय है कौन? सांझा का ज्येष्ठ पुत्र है, है? तो अब उसके जो पीछे जाएंगे, वो पीछे भी कौन जाएंगे? उनके उसके घनिष्ठी तो जाएंगे, इसलिए उसके पीछे जो घोड़े हैं, हाथी हैं, उन पर राजसी परिवार को राजसी पोशाक के साथ चित्रित किया गया है। वैसे अब बारात के दृश्य को अगर अपने मन में करके यूं करें कि उसका चित्र का बखान करें, तो निश्चित है बारात का दृश्य तो शाम के समय का होता है, और शाम के समय जब अंधेरे का सा भाव होता है उस समय का होता है। उस भाव को दर्शाने के लिए क्या किया है? गहरी पृष्ठभूमि बनाई गई है हमें, और गहरी पृष्ठभूमि में अनार बम्बों को फटते हुए भी चित्रित किया गया है। दूल्हे के परिधान में घोड़े पर सवार दारा, पीछे घोड़े पर सांझा, हाथियों पर राज परिवार की स्त्रियां, वादक दल को बहुत ही आकर्षक ढंग से संयोजित किया गया है। बारात के स्वागत के लिए हाथ जोड़े खड़े स्त्री पुरुषों का अंकन भी इसमें किया गया है। मतलब कैसे? अब भाई निश्चित है बेटी के घर जा रही है बारात, तो बेटी के घर वाले भी तो आतिथ्य सम्मान करेंगे, तो आतिथ्य सम्मान स्वागत के लिए आतुर होकर खड़े हैं, तो निश्चित है उनके हाथों में इसी तरह के कुछ भाव होंगे, कुछ चीजें होंगी जिसके आधार पर वो लग रहे हैं जैसे बारात का स्वागत करने खड़े हैं। इस तरह के दृश्य को या कथानक को अधिक स्पष्ट करता है। पाशरों में आतिशबाजी, आतिशबाजी का मतलब वही है बम फोड़ना, सजावट चित्रकार की सुंदर कल्पना शक्ति का परिचायक देता है, अर्थात कलाकार ने अपनी सुंदर कल्पना शक्ति के माध्यम से उस बारात के दृश्य को अभिव्यक्त किया है। मानव आकृतियां एक चश्म बनाई गई हैं, वो मैंने आपको बता दिया मुगल शैली में जो भी चित्र आकृति बनाई गई वो कितने चश्म बनाए गए? एक चश्मी चेहरे बनाए गए, कहीं कहीं कोई डेढ़ चश्मी चेहरा बनाया गया है। यह चित्र हाजी मदानी के द्वारा टेम्परा टेक्निक में बनाया गया चित्र है। तो ये सांझाकालीन प्रसिद्ध चित्र हुए। तो अर्थात अपन ने मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र पढ़े, और उन प्रसिद्ध चित्रों में अपन ने कितने चित्र पढ़े? अकबरकालीन तीन चित्र पढ़े, जहांगीरकालीन तीन चित्र पढ़े, और सांझाकालीन दो चित्र पढ़े। तो अपने आठ चित्रों का अध्ययन किया। उन चित्रों में अपन ने कलाकारों के बारे में पढ़ा कि किस कलाकार के द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया और किसके समय बनाया गया, इस चीज़ को पढ़ा। तो आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चनों में इस तरह पूछे सकते हैं मुगलकालीन दो प्रसिद्ध चित्रों का वर्णन कीजिए, और अगर और भी पूछा जाए तो यूँ पूछ लें अकबरकालीन दो चित्रों के बारे में लिखिए, जहांगीरकालीन दो चित्रों के बारे में लिखिए, सांझाकालीन दो चित्रों के बारे में लिखिए। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे तो किसी एक चित्र का शीर्षक दे दिया जाएगा, जैसे जहांगीर का सपना शीर्षक वाला चित्र के बारे में आप क्या जानते हो। आज इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।